हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि मेरा जो कि सेकंड हैंड लैपटॉप मैंने एक बाय किया है, जो कि आप भी थंबनेल में देख चुके हैं, जो कि 4GB ग्राफिक्स कार्ड है और 8GB का उसका रैम है और 1TB का जो कि हार्ड डिस्क है, जो कि ये देख सकते हो। मैंने पहले अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरा फुल पैकिंग के साथ आया था। आपका जो कि चीप प्राइस में मुझे मिला, आप देख सकते हो, जो कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि मुझे 20,000 में मुझे ये 4GB ग्राफिक्स वाला जो कि मिला, जो कि गेमिंग लैपटॉप, वो भी सेकंड हैंड है बट चीप प्राइस में मिला। तो दोस्तों पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्या एक्सेसरीज है और कैसा है लैपटॉप थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है और उसका प्राइस के बारे में, और मैंने कहाँ से लिया और कैसे लिया वो भी उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए पहले थोड़ा हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं कल्याणी टेक। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने सेकंड हैंड लैपटॉप बाय किया, अभी मुझे फुल पैकिंग के साथ मिला, देख सकते हो उसका जो नया में जैसा आप लेते हो ना, नया जैसा बाय करते तो कुछ इस तरह का उसका पैकिंग आता है, सब कुछ मिलता है, बट मुझे सब कुछ नया तरीके से मिला है। बट उसमें सेकंड हैंड चीज़ है, बैग भी मिला, चार्जर भी मिला और सब कुछ मुझे मिला है, मतलब सब कुछ वहाँ पर है, सेकंड हैंड लिया है दोस्तों। तो चलिए तेरा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कुछ लेनोवो का या ब्रांडिंग है। तो दोस्तों पहले यहाँ से हम खोल लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह का उसका पैकिंग है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों पूरा नया में जैसा होता है कुछ इस तरह का पैकिंग है। तो पहले हम इसे निकाल लेते हैं लैपटॉप को कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमारा जो कि लैपटॉप, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर दिखते हैं क्या है हमको सेकेंड हैंड में भी क्या मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों चार्जर है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का उसका चार्जर है, उसे साइड में रखते हैं और बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ उसका गाइड भी मुझे मिला है, यहाँ पर देख सकते हो यूजर गाइड कुछ इस तरह का, चलिए उसे मैं साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो एक लैपटॉप है और एक चार्जर है, तो चार्जर का भी थोड़ा पुराना हो गया, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह का उसका जो कि चार्जिंग करने का पिन है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो लेनोवो यहाँ पर। तो दोस्तों चार्जर को भी थोड़ा साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो कि मेन चीज़ है यहाँ पर देख सकते हो, उसे खोलते हैं। देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह का उसका पैकिंग है, जो कि पूरा मुझे नया वाला अनबॉक्सिंग करने का कुछ फील आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा कुछ इस तरह सिल्वर कलर का मेरा जो कि मैंने लिया था, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह का उसका लुक है, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रैच दिख रही है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं है, फुल स्मूथ है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह का उसका लुक है। उसका थोड़ा मैं आपको पोर्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो कि सीडी ड्राइव है यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जो कि यूएसबी, उसके बाद ये एसडी रीडर जो कि कार्ड रीडर, यहाँ पर हेडफोन जैक यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पीछे की तरफ भी कुछ यहाँ पर क्रैश का कोई ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ जैसे नया जैसा है, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत ओल्ड होने से, यहाँ पर विंडोज 8 में आया था, अभी विंडोज 10 प्रो में रनिंग है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सब कुछ यहाँ पर सीरियल नंबर सब कुछ यहाँ पर है। और यह है उसका बैटरी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बैटरी लगा के उन्होंने भेजा है मुझे, यहाँ पर देख सकते हो उसका बैटरी है, देख सकते हो, चलिए उसे लगा देते हैं। तो दोस्तों हमने उसका बैटरी भी लगा दिया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए पहले हम आपको एक बार ओपन करके दिखा देते हैं और उसके बाद दोस्तों आगे बात करेंगे कहाँ मिला और प्राइस रेट में कैसा है और उसका ग्राफिक्स और उसका रैम, उसका हार्ड डिस्क सब कुछ आपको चेक करके यहाँ पर दिखाएंगे कितना कितना है, आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर में दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों
तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह का उसका लुक है यहाँ पर, देख सकते हो दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो उसका जो कि वेबकैम है ये देख सकते हो। तो दोस्तों ये है उसका पावर की, यहाँ पर देख सकते हो ये उसका पावर की है। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा जो कि बूट हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बूट होने में थोड़ी लेट हुई क्योंकि यहाँ पर हार्ड डिस्क लगा है, इसलिए मैंने वहाँ पर वो शूट नहीं किया। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का उसका लुक्स है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर जो 4G ग्राफिक्स का उसका जो लोगो है यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हो जो कि ये डॉल्बी का यहाँ पर स्पीकर लगाया है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का। और दोस्तों ये लेनोवो ब्रांड, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह का उसका ब्रांड है। चलिए थोड़ा हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से उसका लुक है यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको रैम कितना है, ग्राफिक्स कितना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो देख सकते हो दोस्तों उसका प्रॉपर्टीज में जाना है कुछ इस तरह से क्लिक करने से यहाँ पर जो कि शो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, और आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो कि मेरा विंडोज प्रो है, और उसका जो कि प्रोसेसर देख सकते हो इंटेल कोर जो कि i7 है 1.80 GHz, उसके बाद 240 GHz। उसका रैम देख सकते हो दोस्तों 8GB रैम, उसका जो यूजुअल रैम है 790 है 7.90। उसका दोस्तों उसका सिस्टम टाइप जो कि 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका दोस्तों चलिए मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूँ, जो कि उसका ग्राफिक्स मैं दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह का। चलिए दोस्तों मैं उसका ग्राफिक्स आपको दिखाता हूँ। जो कि कितना ग्राफिक्स है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो कि एनमीडिया का जीफोर्स, यहाँ पर देख सकते हो एनमीडिया कंट्रोल पैनल, यहाँ पर आपको जाना है, आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पर जो कि उसका मेनू खोल के आ जाएगा। देख सकते हो जो कि उसका मेनू खोल के आ गया है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हो। तो चलिए पहले उसका चेक कर लेते हैं कितना रैम है। यहाँ पर देख सकते हो जी फोर्स 840 mm यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देख भी सकते हो दोस्तों, देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम इन्फॉर्मेशन में हम चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होता है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो कि यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है जो कि टोटल अवेलेबल ग्राफिक्स जो कि 8140 MB यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कितना यूजेबल है, जो कि मेमोरी डाटा रेट, यहाँ पर मेमोरी इंटरफेस, उसके बाद ऊपर देख सकते हो सब कुछ ड्राइवर वर्जन सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज प्रो पर जो रन कर रहा है, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स रन टाइम वर्जन सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों। तो कुछ इस तरह का उसका सब कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों उसका पोर्ट जो कि माइक्रो USB 3.0 हो गया, उसके बाद 2. उसके बाद HDMI देख सकते हो दोस्तों, उसके बाद ये वाला देख सकते हो कुछ इस तरह का, ये मुझे भी पता नहीं है। उसके बाद ये वाला पिन देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फैन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर बूट मेनू दिया गया है यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद ये चार्जिंग प्लग है, और दोस्तों जो कि नीचे वहाँ पर जो दो स्पीकर लगा गया है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरह का वो हमारा जो कि लैपटॉप हमने आपको बूट सब कुछ करके अनबॉक्सिंग करके दिखाया। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कहाँ से मंगाया और कहाँ से हमें मिला और वो कितना प्राइस आपको बताया, जो कि यहाँ पर देख सकते हो जो कि हमने 20,000 रुपये में i7 का लिया, जो भी 4GB का ग्राफिक्स है, जो वो भी लेनोवो का है, गेमिंग लैपटॉप है दोस्तों। तो दोस्तों ये लैपटॉप मैंने OLX से लिया था, मैंने बोला था ना आपको बाद में बताऊँगा कहाँ से लिया और कैसे लिया। तो दोस्तों मैंने एक दिन OLX में मैंने लॉगिन किया और देख रहा था मेरा डिस्ट्रिक्ट का, तो मुझे तब जाके मुझे वहाँ पर एक शो हुआ, तो ये वाले लैपटॉप जो कि उसका ग्राफिक्स भी अच्छा था, उसका हार्ड डिस्क भी अच्छा था, और जो कि उसका रैम भी मेरे ही पास से मेरे लिए अच्छा था। तो क्यों ना सोचा कि उसका प्राइस भी ठीक ठाक था, उन लोगों ने 25 जो कि प्राइस रेंज में छोड़े थे, तो मैंने उनसे बातचीत थोड़ी बहुत की, उसके बाद मैंने उनसे जो कि बजट के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत की, उसके बाद हमारा जो कि डील 20,000 में फिक्स हुआ। उसके बाद वो अलग डिस्ट्रिक्ट का थे, मैं अलग डिस्ट्रिक्ट का था,
तो उनको मैंने कल करके बताया मैं आपको पेमेंट ऑनलाइन कर दूंगा। उसके बाद हाँ, जो थोड़ी बहुत जान पहचान हो गए उसके बाद उन्होंने भी मुझे भरोसा कर लिया, मैंने भी उनको भरोसा कर लिया। उसके बाद उन्होंने जब मुझे जो बस में पैकिंग पैकिंग करके सब कुछ मुझे वो वहाँ से भेज दिया, तो मैंने भी जिस टाइम बस में भेज दिया तो उस टाइम मैंने भी वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये मेरा लैपटॉप मुझे रिसीव हुआ और सही, सब कुछ सही है, ठीक ठाक चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो कि उसका ग्राफिक्स, उसका रैम सब कुछ तो आप देख लिया, उसका जो कि बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ये जो कि लेनोवो का है। ये लॉन्च होके मिनिमम भी 4 या 5 साल हो गया है, मैं भी एग्जिट डेट मुझे भी पता नहीं है कितना कहाँ कितना दिन में लॉन्च हुआ था, बट जो जिस टाइप से वो यूज कर रहे थे बहुत ठीक ठाक से उसे केयरफुली यूज कर रहे थे, सब कुछ सही है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मुझे जो ग्राफिक्स मुझे अच्छा लगा, जो कि वहाँ पर उतना प्राइस रेंज में ये मिलता भी नहीं है अभी भी आप लोगों को। फिर उसका जो कि दोस्तों देख सकते हो उसका जो कि i7 प्रोसेसर है, यहाँ पर i7 प्रोसेसर मिलता भी नहीं है दोस्तों, कहाँ 20,000 और कहाँ i7, तो दोस्तों वही है। तो दोस्तों सेकंड हैंड प्राइस में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि कैसा लगा और जो कि प्राइस में जो कि चीप प्राइस में लैपटॉप कैसा है कमेंट करके नीचे बताओ, और उसका ग्राफिक्स, उसका रैम, उसका हार्ड डिस्क और लैपटॉप और उसका प्राइस कैसा है, अच्छा है या बुरा है, जो भी है नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसा है। और दोस्तों इस वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ इस तरह का वीडियो देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।